हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म किए थे। आज हम लोग न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे वर्क करेंगे, जो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशंस में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे वर्क जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं आप लोग। इसको सोल्व करने का, इसको रूट निकालने का दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन है और एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए होता है। और इस केस में हम लोग ये बात समझते हैं कि रूट रियल और अनइक्वल कब है, रूट रियल और इक्वल कब है, और रूट इमेजिनरी कब है। तो यहाँ पर हमको विशेष रूप से इमेजिनरी रूट्स पे ही वर्क करने हैं। तो हम लोग इस चीज़ को पहले से जानते हैं कि अगर डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स आर रियल एंड और इक्वल। अगर डी इक्वल टू जीरो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी लेस देन जीरो रूट्स आर इमेजिनरी यानी कि नॉन रियल। ये चीजें हम ऑलरेडी पहले से सिस्टम को जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसका रूट्स इमेजिनरी है, तो किस तरह से इमेजिनरी रूट्स को हम लोग निकालेंगे। क्योंकि अभी हम तुरंत हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे जिसमें इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो जैसे सपोज कीजिए लिखी हुई है एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स का मान बताइए। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि बी के जगह मेरे पास वन है, ए के जगह वन है और सी के जगह भी वन है, तो डी का मान जब निकालेंगे तो वन माइनस फोर यानी माइनस थ्री आ गया, लेस देन जीरो आ गया यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो एक्स का मान यहाँ से हम निकालेंगे माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री माइनस थ्री बाय टू, यानी कि मेरे पास आएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आएगा, यानी एक्स के दो रूट सबको निकल जाएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, दूसरे रूट से निकल जाएंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री। ठीक है, इस तरह से जब हमारे पास रहेंगे तो वर्क करना। कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कि कैसे हम लोग को काम। सपोज कीजिए हमारे पास लिखे रहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, और आपसे कहेगा इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बताओ। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाइएगा, उस पर फैक्टराइजेशन मेथड है या डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, दोनों मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, इस दो टर्म को हम लोग ब्रेकिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ प्लस वन आ प्लस नाइन करके जीरो लिखे थे। अब इसको ब्रेक करना आसान है, ए स्क्वायर अगर फैक्टराइज नहीं कीजिएगा तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ से हमको मिलेगा, तो होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस नाइन, यानी कि एक्स प्लस वन इक्वल टू रूट अंडर माइनस नाइन प्लस माइनस यानी कि
प्लस माइनस थ्री आई। नाइन का स्क्वायर रूट थ्री और रूट अंडर माइनस वन का मान आई, यानी कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री आई और दूसरा एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री आई। इस तरह से अगर रहेगा तो हम लोग आसानी से इस तरह क्वार्टर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे कुछ और हम देखते हैं। आई वाला टर्म इन्वॉल्व होगा और उसको हमको सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन की हुई है एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जी। सपोज करो ये लिखा होगा, कहेगा इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसका वन निकले। हम लोगों को पता है कि एक्स का पावर टू है तो क्वाड्रेटिक ही होगा और इसके दो रूट्स होंगे, वो रूट्स यहाँ इमेजिनरी ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से चलेंगे ए के जगह वन, बी के जगह माइनस आई, सी के जगह सिक्स, तो एक्स इक्वल टू होगा आई प्लस माइनस रूट अंडर माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सिक्स बाय। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए तो वन प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आई का होल स्क्वायर यानी आई स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन और माइनस ट्वेंटी फोर बाई। यहाँ से वैल्यू मिलेगा वन आई प्लस माइनस ये हो जाएगा फाइव आई, चूंकि माइनस ट्वेंटी फाइव है, ट्वेंटी फाइव का फाइव आई बाई। यहाँ से आपको 6i by 2 और माइनस 4i by 2 को वैल्यू मिलेगी, यानी कि x का मान हो जाएगा 3i और माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्क कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग काम करेंगे। अगर इसी को कहेंगे फैक्टराइजेशन से, तो फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे करेंगे, सॉरी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आई एक्स प्लस टू आई एक्स प्लस सिक्स इक्वल। कैसे देखिए, यहाँ पे आई है, इसको ब्रेकिंग करना है, इसका इसका मल्टीपल कीजिएगा सिक्स एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इस तरह से ब्रेक करना है जिसका मल्टीपल भी सिक्स एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो माइनस थ्री आई एक्स प्लस टू आई एक्स जब दोनों को एड करेंगे तो माइनस आई एक्स मिल जाएगा, आप प्रोडक्ट करिएगा तो सिक्स माइनस सिक्स आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब हो गया मेरा माइनस वन तो प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, इस दोनों में से एक्स कॉमन आएगा एक्स माइनस थ्री आई और यहाँ से आपको टू कॉमन लेंगे, आप ऐसा कीजिए। ठीक है, टू कॉमन ले लेते हैं, टू आई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक काम और कर सकते हैं, आई स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए, बात तो एक ही। अब इसमें से टू आई कॉमन ले लेते हैं, तो टू आई कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस थ्री आई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से ये होगा एक्स प्लस टू आई इंटू एक्स माइनस थ्री आई इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स प्लस टू आई इक्वल टू जीरो, इसलिए x इक्वल टू माइनस टू आई एंड x माइनस थ्री आई इक्वल टू जीरो, इसलिए x इक्वल टू थ्री आई। इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को रिवर्स कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन को हम लोग और डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरह से हम लोग उस क्वेश्चन को भी काम करेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री माइनस टू रूट टू आई
into x minus 2 root 6 i equal to. इसको क्वेश्चन कहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से x का मान बताइए, क्वाड्रेटिक फार्मूला से x का मान बताइए। तो यहाँ पे हम लोग वर्क कर लेंगे, a का मान मेरे पास 1 है, b का मान मेरे पास रूट 3 माइनस 2 रूट 2 आई है और c का मान माइनस 2 रूट 6 है। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2 ए होता है। अब वैल्यू डाल दें इसमें सब का मान, ये हो जाएगा मेरा माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 2 आई प्लस माइनस रूट अंडर रूट 3 माइनस 2 रूट 2 आई का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मान मेरे पास 1 है और सी का मान माइनस 2 रूट 6 आई बाई 2। अब थोड़ा सा हमको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, देखना होगा कैसे हम लोग इसको और कर सकते। आइए हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो b का मान ही हम लोग सिंप्लीफाई करके लेंगे, तो b का मान जब होगा मेरे पास रूट 3 माइनस 2 आई का पूरे स्क्वायर प्लस 8 रूट 6 आई। ठीक है, हम लोग लेकिन करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये होगा 3 प्लस 8 आई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिए हैं और माइनस 2 ए बी करेंगे तो 2 ए बी माइनस 4 रूट 2 रूट 3 रूट 6। ठीक है, प्लस 8 रूट 6। चलिए हम लोग आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, हो जाएगा मेरा ये माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 और इसमें से जाएगा तो प्लस 4 रूट 6 आई। ठीक है, ये आप देख लो सिस्टम में क्या है कि 4 रूट 6 में से 8 रूट 6 में से माइनस 4 रूट 6 किए तो हमारे पास इस तरह का है। ठीक है, अब ये आ गया मेरा सिस्टम, अब इसी के फॉर्म में लिखिएगा आंसर हमारा रूट में ही रहेगा। तो यहाँ इसके फॉर्म में ना लिखे हुए हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल के, मतलब ये है कि d का मान b स्क्वायर माइनस 4 ए सी का रूट अंडर, यानी कि हमको रूट d चाहिए यहाँ पे हमारे पास सिस्टम में दिखे, यानी कि इसका भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो जब कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहे और जब फार्मूला हम लोग लगाते रहें तो हम लोग को क्या करना होगा कि d का मान कुछ ना कुछ रेशनल इरेशनल में नहीं होने चाहिए, मतलब उसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, इस पर हमको ध्यान देना है ताकि इजी वे में हम लोग इसको वर्क कर सकें। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना मेरा मेन मकसद होगा, परफेक्ट स्क्वायर में बदल के फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल के डी की जगह वैल्यू रखना। तो आइए, मैंने परफेक्ट स्क्वायर में यानी स्क्वायर रूट में मैंने दो मेथड बताया था, एक बड़ा मेथड बताया था एक छोटा मेथड बताया था, तो हम लोग छोटे मेथड पे ही वर्क करते हुए इस पर काम कर लेते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, इसके लिए हम एक नियम पढ़ा चुके हैं स्क्वायर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर वाले लेक्चर में, हमारा पूरा डिटेल लेक्चर है। तो हम लोग इमेजिनरी पार्ट को लेते हैं, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आया 4 रूट 6 और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास ये सिस्टम आया 2 और रूट 6 आया। ठीक है, हमारे पास यानी कि हम या इसको ऐसे भी ले सकते हैं 2 रूट 2 और 3, ठीक है, तो 2 रूट 6 है तो 2
सिक्स को तोड़ दीजिए, रूट थ्री में और ठीक है, ऐसे हम लोग ब्रेक करते हैं। दो को डिवाइड, दो से डिवाइड करके इमेजिनरी पार्ट को, और जो आता है उसको दो फैक्टर में तोड़ते हैं। इस तरह से दो फैक्टर में तोड़ते हैं जिसके स्क्वायर का डिफरेंस ये नंबर होना चाहिए। तो आप देखो, ये इसका स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा एट, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट थ्री। तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस मेरा माइनस फाइव आ रहा है। रूट थ्री के स्क्वायर में से आप टू रूट टू के स्क्वायर को घटाओगे। तो इस तरह से हम लोग दो फैक्टर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करना है, घटाने का मतलब हो गया कि रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू रूट टू का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरा माइनस पाँच आ जाएगा, माइनस पाँच आएगा। यहाँ पे आप आई डाल, ठीक है। तो सिस्टम को परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए यही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वर्क कर लेते हैं, माइनस फाइव का जगह लिख देते हैं रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू रूट टू आई का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको टू ए बी चाहिए। तो आइए हम लोग लिखते हैं टू, और फोर के जगह पर टू सिक्स है, इसको हम लिख देते हैं रूट थ्री इंटू टू रूट टू आई प्लस प्लस। यानी कि अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्म में आ गया। लॉन्ग फॉर्म जो पढ़ाए थे स्क्वायर रूट निकालने का, उस मेथड से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आएगा रूट थ्री प्लस टू रूट टू आई का होल स्क्वायर। यानी कि जब हम रूट डी निकालेंगे इसका भी स्क्वायर रूट होगा, यानी कि होगा प्लस माइनस रूट थ्री प्लस टू रूट टू आई। इस तरह से हम डी का मान निकाल लिए। अब डी का मान दिए हुए सिस्टम में रखेंगे, ये होगा मेरा माइनस रूट थ्री माइनस टू रूट टू आई प्लस माइनस, वैल्यू रख दीजिए रूट थ्री प्लस टू रूट टू आई बाय, ठीक है। अब इस केस में एक बार हम प्लस का काम करेंगे और एक बार हम माइनस का काम करके एक्स का मान निकालेंगे। आइए अब एक्स का जो मेरे पास वैल्यू हुआ, एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री माइनस टू रूट टू आई प्लस रूट थ्री प्लस टू रूट टू आई बाई टू, और दूसरा वैल्यू हुआ माइनस रूट थ्री माइनस टू रूट टू आई माइनस रूट थ्री प्लस टू रूट टू आई बाई। दोनों वैल्यू को हम बारी बारी से तो यहाँ पे ये होगा माइनस रूट थ्री प्लस टू रूट टू आई प्लस रूट थ्री प्लस टू रूट टू आई बाय टू, और यहाँ से मेरा होगा माइनस रूट थ्री प्लस टू रूट टू आई माइनस रूट थ्री माइनस टू रूट टू आई बाय टू। यहाँ से रूट थ्री कैसे हो गया, ये फोर रूट टू आई होगा, फोर रूट टू आई में से टू से डिवाइड करेंगे ये होगा टू रूट टू आई एक्स इक्वल टू, और यहाँ से इससे ये कैसे हो जाएगा टू रूट थ्री होगा, टू रूट थ्री को दो से भाग करेंगे तो माइनस। तो इस तरह से हम लोग पार्टी इक्वेशन इमेजिनरी नंबर के लिए वर्क करते हैं, किस तरह से जो हम लोग आज देखे हैं। अगली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे। धन्यवाद।